यूपी के हाथरस हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। हाथरस में कार्यक्रम स्थल की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई है, जहां 121 लोगों की मौत के अलावा 28 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, सभी घायलों का इलाज जारी। हाथरस में हादसे के बाद की तस्वीरें आई सामने, घटनास्थल पर लोगों के बिखरे हुए सामान आए नजर, सत्संग के दौरान हुआ था हादसा। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा ने मैनपुरी राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में पनाह ली, बड़ी संख्या में जमा हुए अनुयायी, पुलिस प्रशासन ने आश्रम में जाने से रोका। हाथरस में घटनास्थल पर पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए रख रही है निगरानी, सत्संग स्थल पर बड़ी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु। हाथरस में हुए हादसे वाली जगह पर मौजूद फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम, यहां पर जांच तेज। हाथरस मामले में दर्ज FIR में बाबा सूरजपाल का नाम शामिल नहीं, मुख्य सेवादार समेत अन्य आयोजकों के खिलाफ FIR। हाथरस हादसे पर जांच हुई तेज, जहां मामले की गंभीरता से जांच कर रहे अधिकारी, सीएम योगी ने भी दिए जांच के निर्देश। हाथरस में हुई घटना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग। हाथरस हादसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को भेजी गई चिट्ठी, हादसे की CBI जांच कराने की मांग रखी। सत्संग के आयोजन में भारी लापरवाही का खुलासा, आयोजकों ने नहीं बनाया था एग्जिट एंट्री पॉइंट, भारी भीड़ के बाद भी नहीं थे मेडिकल के इंतजाम। हाथरस भगदड़ कांड में मृतक की मां कमला ने बताई आप बीती, कहा घटना में मैंने खो दी अपनी बेटी, सत्संग के दौरान ऐसी घटना कभी नहीं हुई। हाथरस कांड के बाद छाया मातम का माहौल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, हादसे के बाद सभी अभी भी अपनों की तलाश में जुटे लोग। हाथरस हादसे में शिकार हुए पीड़ित परिजनों से मिले मंत्री असीम अरुण, परिजनों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन, हाथरस के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है घायलों का इलाज। हादसे पर सीएम योगी ने दिए गहन जांच के निर्देश, 24 घंटे के अंदर अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्थिति का जायजा लेने पहुंचेंगे हाथरस, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। हाथरस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, बोले यूपी सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी, सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हाथरस हादसे में पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान। हाथरस की घटना से सबक लेते हुए बागेश्वर बाबा ने वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं से की अपील, 4 जुलाई को धाम में न आने की अपील की गई। 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। हाथरस भगदड़कांड पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार मामले की कर रही है समीक्षा। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सारे चीजों की समीक्षा लगातार सरकार कर रही है, ये हम लोग के लिए दुख का विषय है कि इतने लोग एक साथ दुर्घटना हुई है। हाथरस हादसे को लेकर के सपा नेता SU हसन ने प्रशासन पर साधा निशाना, बोले बुलडोजर चलाने में तो माहिर है प्रशासन, अब क्यों बैठे हैं शांत। प्रशासन बुलडोजर चलाने में तो बड़ी तेजी दिखाता है, लेकिन इन मजलूमों के और गरीबों के जो अपने परवरदिगार को अपने पैदा करने वाले की इबादत के लिए गए थे या पूजा के लिए गए थे या धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, उनके लिए उनकी किसी को फिक्र नहीं है। यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे की घोषणा। हाथरस भगदड़ मामले में यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का बयान, 80 हजार भीड़ की इजाजत दी गई थी, सत्संग में अनुमान से ज्यादा भीड़ पहुंची, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस हादसे पर दुख जताया, हादसे पर अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए, कहा सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया, आप ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना होगी। हाथरस भगदड़ पर सपा नेता शिवपाल यादव ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, कई लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए, प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार लोगों के प्रति जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देंगे, दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन होगा। लोकसभा में राहुल के हिंदू हिंसक वाले बयान पर प्रधानमंत्री का करारा जवाब, बोले हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश, बालक बुद्धि मानकर हरकतों को नजरअंदाज